इंडिया की जगह भारत शब्द के प्रयोग को लेकर देश भर में बहस छिड़ी है। इसमें सबसे ज्यादा आपत्ति कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन की तरफ से है। इन सब के बीच एक बड़ा सच ये कि कभी कांग्रेस खुद इंडिया की जगह भारत नाम का प्रस्ताव ला चुकी है। इसके लिए बाकायदा संसद में बिल पेश किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ भी बहुत पहले इंडिया नाम बदलने की मांग उठा चुके हैं। उन्होंने इंडिया की जगह हिंदुस्तान रखने की बात कही। उन्होंने ये मांग 2014 में गोरखपुर के सांसद रहते हुए कही। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से प्रेषित G20 रात्रिभोज के निमंत्रण पत्र में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत संबोधित करने के बाद से इसको लेकर बहस तेज है। वैसे इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की मांग कांग्रेस ने साल 2012 में उठाई। उस वक्त कांग्रेस सांसद शांताराम नाइक ने इसको लेकर राज्यसभा में प्राइवेट बिल पेश किया। संविधान संशोधन विधेयक पेश करते हुए शांताराम नाइक ने इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा था कि इंडिया शब्द से क्षेत्रीय अवधारणा की झलक मिलती है, जबकि भारत शब्द से क्षेत्रीयता से कहीं आगे की झलक देता है। नाइक ने यह भी कहा कि हम इंडिया की जय नहीं कहते, बल्कि भारत माता की जय कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार ये बिल पेश किया। पहली बार उनके कार्यकाल का अंत होने के चलते बिल निष्प्रभावी हो गया। नाइक ने कहा था कि भारत नाम से देशभक्ति का जोश आता है और इसी तरह से बीजेपी के कद्दावर नेता और फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संविधान में इंडिया शब्द को बदलने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने इसकी जगह भारत नहीं बल्कि हिंदुस्तान शब्द लाने की बात कही। साल 2014 में गोरखपुर का सांसद रहते हुए उन्होंने निजी बिल पेश किया। इस विधेयक में उन्होंने मांग की थी कि संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द है उसकी जगह हिंदुस्तान शब्द करने की बात कही गई। इसके पीछे की वजह बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत और हिंदुस्तान हमारे देश के पारंपरिक नाम है। ब्रिटिश काल से पहले भी ये नाम चलन में थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे इंडिया कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।